सना माजबीन, असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग। अच्छा मैम, ये बताइएगा कार्रवाई की जा रही है सरकारी गाड़ियों का, इसके बारे में विस्तार से आगाह कीजिएगा। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि अब इलेक्शंस करीब आने वाले हैं, जिसके लिए हमें आरओज और डीआरओज के लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे एक मीटिंग कॉल की थी कल, जिसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बुलवाया था और डिपार्टमेंट से हमने रिक्वेस्ट की थी कि जितनी भी गवर्नमेंट गाड़ियाँ हैं वो व्हीकल्स हमें प्रोवाइड करें। कुछ डिपार्टमेंट ने हमें बहुत आसान तरीके से गाड़ियाँ दे दी थी, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ने ज़रा रिलक्टेंसी शो की, गाड़ियाँ नहीं दी। तो उस सिलसिले में आज यहाँ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। डिफरेंट गाड़ियाँ जो यहाँ पे गवर्नमेंट की हैं वो गाड़ियाँ हम पकड़ रहे हैं। अच्छा, टारगेट सेट किया है, कितनी गाड़ियाँ आप जो है वो यहाँ कैप्चर करेंगे? सर, ये तो डिपेंड करता है ये कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। तो जितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी और जितना टाइम हमारे पास यहाँ पे है, उस हिसाब से हम मैक्सिमम गाड़ियाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे। कितना हमला रखा गया है जो बस हमारे पास, चूँकि डिफरेंट आपको पता है कोयटा के हालात को भी मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा फोर्स हमने अपने पास नहीं रखी है, बस इतनी फोर्स रखी है कि कुछ यहाँ पे आपको गार्ड्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो गाड़ियाँ पकड़ के, जो गाड़ियाँ हम पकड़े उनके साथ बैठा के हम डीसी ऑफिस रवाना कर रहे हैं।